तृष्णा एकदम ठगी सी रह गई। उसका पूरा चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। गुस्से की वजह से उसका बदन भी कांपने लगा था। सोच तो उसकी अमितेश को सड्यूस करने वाली ही थी, वो चाहती भी यही थी, लेकिन उसके अकेले के ऐसा कुछ चाहने से उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होने वाला था। अमितेश को भी तो उसके साथ अफेयर करने के लिए सहमत होना होता। उसने बस अमितेश को एक इशारा किया जिसे अमितेश समझ भी गया, लेकिन अगर वो उसके साथ सोना नहीं चाहता था तो उसे ये बात जोर से सबके सामने कहने की कोई जरूरत तो नहीं थी ना। जो कुछ उसने कहा था उसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने तृष्णा की क्या इज्जत रह गई। वहाँ मौजूद लोगों में उसके अलावा 5 और मेकअप आर्टिस्ट थे, वे सब उसके कॉम्पिटिटर थे। क्या वो उससे जुड़ी ऐसी किसी बात को सीक्रेट रखने की कोशिश करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर में वो उनमें से किसी के भी साथ एक टीम में काम करती तो वे लोग उसे किस नजर से देखते? ऐसी लड़की के रूप में जो अपने क्लाइंट को सिड्यूस करने की ताक में लगी रहती है। तृष्णा के मन में एक साथ ढेर सारे बुरे से बुरे ख्याल जन्म ले रहे थे। उसका एक बुरा ख्याल था अमितेश का उस पर ये इल्जाम लगाना कि वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अगर ये बात इंडस्ट्री में फैल गई तो वैसे सेलिब्रिटीज जो सच में आशिक मिजाज होते हैं और जो जरा भी पॉपुलर नहीं, वे सब जानबूझकर उसे किसी न किसी फिल्म में अपने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में हायर करते और फिल्म की शूटिंग के दौरान उसका फायदा उठाने की कोशिश करते। ऐसी तो तृष्णा को पूरी इंडस्ट्री के हर मेल सेलिब्रिटी के साथ सोने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता। तृष्णा का गुस्से से कांपना अब घबराहट और डर में बदल गया था। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि अमितेश उसे लेकर इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करेगा। तुम अगर मेरे साथ नहीं सोना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें सबके सामने मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? तृष्णा क्या कुछ सोच रही थी इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्देश भी अमितेश के जवाब से हैरान था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं कुछ करता हूँ, क्या यहाँ मौजूद मेकअप आर्टिस्ट में कोई अपनी प्लेस तृष्णा के साथ बदलना चाहेगा? अर्देश के सवाल के बाद वहाँ कुछ पल के लिए खामोशी सी छाई रही। इसी दौरान अमितेश का ध्यान निवेदिता और क्रिश पर गया। तब निवेदिता क्रिश को आईलाइनर लगाने जा रही थी। क्रिश के पलकों को थोड़ा ऊपर करने के बाद निवेदिता उसके करीब आ गई। उस पोजीशन को देख ऐसा लग रहा था जैसे निवेदिता और क्रिश एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अमितेश की आंखें उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख दर्द करने लगी थी। उसे अचानक से इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का वो दिन याद आ गया जब निवेदिता और क्रिश एक दूसरे से मजाक करते और एक दूसरे को छेड़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अमितेश की उंगली तुरंत निवेदिता की ओर घूम गई। उसे मेरे मेकअप का काम दे दो। अर्देश ने जब अमितेश के पॉइंट की गई उंगली की डायरेक्शन में देखा तो उसकी नजर निवेदिता पर गई। उस डायरेक्शन में निवेदिता के अलावा दूसरा कोई मेकअप आर्टिस्ट मौजूद नहीं था। अर्देश के साथ साथ तृष्णा और बाकी के सभी मेकअप आर्टिस्ट ने यही सोचा था कि अमितेश किसी मेल मेकअप आर्टिस्ट को चूज करेगा ताकि किसी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को उसे सिड्यूस करने का मौका दोबारा ना मिले। पर उन सब की सोच से उलट अमितेश ने अगले ही पल निवेदिता को चूज कर लिया। वहां मौजूद हर एक शख्स खामोश हो गया। वे सब निवेदिता को देखने लगे। तृष्णा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों ने कुछ गलत और उसकी आंखों ने कुछ गलत देख लिया है। अब वो गुस्से से पागल होने लगी थी। अमितेश को दूसरा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए था, लेकिन वहां मौजूद बाकी सभी मेकअप आर्टिस्ट में से उसने एक फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को क्यों चुना? क्या उसे इस बात का डर नहीं कि निवेदिता भी उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर सकती है? अमितेश की उंगली तो निवेदिता की तरफ पॉइंटेड थी, लेकिन उसने उसका नाम नहीं पुकारा था। चूंकि निवेदिता अपने काम में खोई हुई थी तो उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था
कि अमितेश ने तृष्णा की जगह उसे अपने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में चूज कर लिया है। वहां मौजूद खामोशी ने फाइनली निवेदिता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब उसने अपने सिर को ऊपर उठाया तो उसने देखा कि वहां मौजूद हर एक शख्स उसे ही देख रहा है। निवेदिता हैरान हो गई, वे सब उसे क्यों देख रहे हैं? अर्देश बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। वो अमितेश की बात टाल नहीं सकता था और कृष को भी नाराज नहीं कर सकता था। उसकी नजर में दोनों ही उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अमितेश की इम्पोर्टेंस उसकी नजर में कृष से थोड़ी सी ज्यादा थी। वो कृष के पास आया। कृष, मेरे सामने अचानक से एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या तुम निवेदिता और तृष्णा को एक दूसरे की प्लेसेस चेंज करने दोगे? अगर निवेदिता की जगह तुम्हारे मेकअप का काम तृष्णा करे तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होगी? अर्देश की बात सुन निवेदिता हैरान हो गई। हालांकि वो खुद चाहती थी कि उसे कोई चैलेंजिंग बंदा मिले, लेकिन वो बंदा अमितेश हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अमितेश कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी नहीं था, वो अमितेश था, ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का डेप्यूटी CEO। वो इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले बंदे के तो आसपास भी नहीं फटकना चाहती थी। कृष्ण ने एक नजर अमितेश को देखा, फिर उसने एक नजर निवेदिता को देखा। न जाने क्यों, लेकिन उन दोनों को देख कृष को पिछली रात हुई लिफ्ट वाले इंसिडेंट याद आ गई। तब निवेदिता अमितेश की गोद में कूद पड़ी थी। वो ये भी सोच रहा था कि जरूर तृष्णा ने अमितेश के साथ कुछ गलत किया था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया था वो उसने ड्रेसिंग रूम में सबके सामने किया था। यानी कि वो अमितेश के साथ जो कुछ भी कर पाई थी वो काफी नॉर्मल लेवल का अबनॉर्मल काम होगा। वो निवेदिता की तरह अमितेश की गोद में तो बिल्कुल भी नहीं कूदी होगी। जब निवेदिता अमितेश के गोद में कूदी थी तब तो अमितेश ने कोई तमाशा खड़ा नहीं किया था, फिर अभी तृष्णा पर वो इतनी बुरी तरह से क्यों भड़क उठा? क्या तृष्णा की हरकत उसे सेक्सुअल हरासमेंट लगी तो निवेदिता की हरकत उसे क्या लगी थी? कृष की आंखें चमक उठे, उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात जान ली है। कृष मन ही मन काफी कुछ सोच रहा था। निवेदिता उसे पागलों की तरह देख रही थी। वो समझ गई थी कि कृष का दिमाग जरूर कोई खुराफात करने के चक्कर में है। निवेदिता अमित हाँ की नहीं, कृष ने कहा। निवेदिता अमितेश का मेकअप करती है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी बात सुनते ही अर्देश ने राहत भरी एक लंबी सांस ली, लेकिन यही वो गलती कर बैठा। अपनी बात पूरी करने के बाद तुरंत कृष ने आगे कहा, निवेदिता अमितेश का मेकअप करने जा सकती है, लेकिन मैं तृष्णा से अपना मेकअप नहीं करवाने वाला हूँ। कृष की वो बात सुनते ही तृष्णा गुस्से से आग बबूला हो उठी। क्या वो कृष का मेकअप करने के काबिल नहीं? वो गुस्से से कृष को घूर रही थी। तभी कृष ने कहा, क्या पता ये मुझे भी सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करने लगे। तृष्णा कृष की बातें सुन घून का घूंट पीकर रह गई। वो बुरी तरह से गुस्से से कांप रही थी। अमितेश को सिड्यूस करना उसका सबसे बड़ा मोटिव था, लेकिन कृष, छी, वो उसके स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल भी नहीं था। चाहे कृष से उसे कितना भी फायदा क्यों ना हो, वो कृष को तो कभी सिड्यूस करने की कोशिश नहीं करती। वैसे भी कृष निवेदिता का दोस्त था और तृष्णा निवेदिता को अपना दुश्मन मानती थी। शायद इसी वजह से कृष जानबूझकर तृष्णा के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था। चूंकि वो निवेदिता का करीबी दोस्त था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर तृष्णा से तो अपना मेकअप नहीं करवाता। कृष का बस चलता तो वो तो तृष्णा को सर्वाइवर शो के मेकअप आर्टिस्ट की टीम से ही बाहर करवा देता। अर्देश कृष की शर्त को जानने के बाद वहां मौजूद बाकी मेकअप आर्टिस्ट को देखने लगा। क्या कोई दूसरा मेकअप आर्टिस्ट तृष्णा की जगह कृष का मेकअप करना चाहेगा? बदकिस्मती से आज के एपिसोड की शूटिंग का हिस्सा बस मेल सेलिब्रिटी ही थे, नहीं तो अगर इस एपिसोड में कोई फीमेल सेलिब्रिटी मौजूद रहती तो अर्देश तृष्णा को उस फीमेल सेलिब्रिटी के मेकअप के काम में लगा देता। लेकिन ऐसा था नहीं, आज के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ मेल सेलिब्रिटीज मौजूद थे। शौर्य हमेशा से अपनी रेपुटेशन को लेकर फिक्रमंद रहता था।
ऐसे में वो तो भूल कर भी तृष्णा से अपना मेकअप नहीं करवाता। बाकी के सेलिब्रिटीज भी फिलहाल किसी स्कैंडल में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी मुंडी हिलाकर अर्देश को इशारा कर दिया कि वो तृष्णा से अपना मेकअप नहीं करवाएंगे। वे सभी मन ही मन जानते थे कि वहां मौजूद हर एक सेलिब्रिटी क्यों तृष्णा से अपना मेकअप नहीं करवाना चाहता था। अमितेश को सिड्यूस करने की कोशिश कर तृष्णा ने एक बड़ी गलती की थी और उसे अभी से ये बात समझ में आने लगी थी। अर्देश जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना चाहता था ताकि वो आज की शूटिंग को जल्द से जल्द शुरू कर सके। कुछ सोचकर उसने कृष से कहा, हमारी प्रोडक्शन टीम हमारे चैनल के एक लेस एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट को इमरजेंसी पीरियड के लिए अपने साथ लेकर यहाँ इस शूटिंग लोकेशन पर आई है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो हम उसे तुम्हारे मेकअप का काम दे सकते हैं। हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष तुरंत ही अर्देश की बात मान गया। उसे एक कम एक्सपीरियंस वाले मेकअप आर्टिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे तृष्णा से प्रॉब्लम थी। कृष तृष्णा से मेकअप करवाने के लिए राजी ना होकर पहले ही तृष्णा की इंसल्ट कर चुका था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो तृष्णा की उतनी इंसल्ट नहीं कर पाया है जितनी इंसल्ट उसे करनी चाहिए थी। वो तृष्णा को गुस्सा भी दिलाना चाहता था और चिढ़ाना भी। उसने एकदम से ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे वो आगे कही जाने वाली अपनी बात को लेकर काफी ईमानदार है। फिर उसने अर्देश से कहा, अर्देश सर, मैं मिलनसार टाइप का इंसान हूँ, किसी से भी घुलने मिलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। अपने मेकअप को लेकर मैं आपके मेकअप आर्टिस्ट की हर बात मान लूंगा और उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा, लेकिन तृष्णा, इस लड़की को मैं किसी भी कीमत पर अपना मेकअप आर्टिस्ट बनाए जाना एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे फ्रेंडली नेचर को देख ये लड़की मुझे भी सिड्यूस करने लग जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अर्देश ने सहमति में अपने सिर को हिलाया, हाँ भाई हाँ, मैं समझ गया। अर्देश कृष की बातों से चिढ़ गया था। उसे तृष्णा से अपना मेकअप नहीं करवाना था। उसके एक बार कहने भर से ही अर्देश तृष्णा को किसी दूसरे मेकअप आर्टिस्ट से बदलने के लिए राजी हो गया था। फिर कृष बार बार क्यों उसे ये बता रहा था कि क्यों उसे तृष्णा से अपना मेकअप नहीं करवाना है। जल्दी ही वर्गिस उस कम एक्सपीरियंस वाले मेकअप आर्टिस्ट को ड्रेसिंग रूम में ले आया जो उनके प्रोडक्शन के साथ वहां आई थी। अगर वो सच में कृष का मेकअप करने लगती तो तृष्णा के पास फिलहाल के लिए कोई काम ही नहीं बचता। सर्वाइवर की प्रोडक्शन टीम उसे किसी तरह का पेमेंट भी नहीं करती। आपको जिस काम के लिए हायर किया गया हो, अगर आप वो काम ही नहीं कर पाए तो आपको कौन पेमेंट करेगा। प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर तो अर्देश और वर्गिस ये बात अच्छे से समझ गए थे कि वहां मौजूद कोई भी सेलिब्रिटी फिलहाल तृष्णा से अपना मेकअप गलती से भी नहीं करवाने वाले थे। तृष्णा उनमें से किसी को सिड्यूस करने की कोशिश किए बगैर भी अपना काम अच्छे तरीके से करती तो भी किसी स्कैंडल या रूमर से बचने के लिए वो सब तृष्णा से अपना मेकअप नहीं करवाते। फाइनली अर्देश ने परेशानी में अपने ललाट पर अपना हाथ रखते हुए तृष्णा से कहा, तृष्णा आप वापस होटल के अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, आगे क्या करना है ये हम आज की शूटिंग के बाद डिस्कस करेंगे। अर्देश सर, वो सभी गलत फहमी थी, मैंने जानबूझकर अमितेश जी के साथ वैसा कुछ नहीं किया जैसा वो समझ रहे हैं, तृष्णा ने खुद को एक्सप्लेन किया। उसकी बात सुन अमितेश गुस्से में गुर्रा उठा, तो तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? तुम हो कौन और समझती क्या हो तुम खुद को जो मैं तुम जैसी लड़की पर झूठा इल्जाम लगाऊं? तृष्णा एक बार फिर से अमितेश की बेबाकी से ठगी रह गई, लेकिन फिर जल्दी ही नॉर्मल होते हुए उसने खुद के बचाव में कहा, अमितेश सर, आपको किसी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाने का या किसी मेल मेकअप आर्टिस्ट से भी अपना मेकअप करवाने का एक्सपीरियंस नहीं है,
इसलिए आप मेरे मेकअप करने के तरीके को सीड्यूस करना समझ बैठे। मैं शट योर माउथ, अमितेश कड़क आवाज में बोला। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो नॉर्मल टच और सीड्यूस किए जाने वाले टच के बारे में फर्क ना कर सके। अमितेश इतने पर ही नहीं रुका, तृष्णा अब उसकी आंख का काटा बन चुकी थी। अर्देश, मैं नहीं समझता कि इस शो को तृष्णा की जरूरत है। आप किसी दूसरे मेकअप आर्टिस्ट जो कि अपने काम को लेकर एक्चुअल में प्रोफेशनल हो, इस शो के लिए हायर कर लीजिए। अर्देश ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया। ओबेरॉय कॉरपोरेशन अर्देश के इस शो की इन्वेस्टर थी, ऐसे में वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन के डेप्यूटी सीईओ की किसी बात को कैसे टाल सकता था। तब अर्देश ने तृष्णा से कहा, तृष्णा आप अपने कमरे में जाइए, मैं आज की शूटिंग के बाद आपसे बात करता हूँ। अपनी बात पूरी करने के बाद अर्देश ने तृष्णा को देखना और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे तृष्णा अब उसे दिखाई ही नहीं दे रही है। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगा। उसके इस एटीट्यूड के बाद तृष्णा कैसी वहां रुकी रह सकती थी। वो गुस्से में अपने असिस्टेंट के साथ वहां से लौट गई। उसके वहां से जाते ही निवेदिता ने अपने मेकअप का सामान उठाया, फिर वो अमितेश के पास आ गई। इधर कृष के मेकअप का काम सर्वाइवर के प्रोडक्शन टीम की तरफ से आई मेकअप आर्टिस्ट करने लग गई। हेलो अमितेश सर, निवेदिता ने अमितेश का अभिवादन किया। अमितेश ने बिना कोई जवाब दिए अपने सिर को हिलाया, फिर वो वापस से अपने मेकअप चेयर पर बैठ गया। इस बार वो काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था। निवेदिता एक नजर अमितेश के चेहरे को देखने भर से समझ गई थी कि तृष्णा ने बस प्राइमर स्टेज तक अमितेश का मेकअप किया था। वो इस बात से डरी भी हुई थी कि कहीं उसने अमितेश के चेहरे को छुआ तो वो उस पर भी सेक्सुअल हरासमेंट वाला इल्जाम ना लगा दे। इसलिए अपने काम को शुरू करने से पहले निवेदिता ने अमितेश से कहा, अमितेश सर, आपके मेकअप के दौरान मुझे आपके चेहरे को छूना भी पड़ सकता है। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो मैं अपने हाथों में ग्लव्स पहन सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, तुम जल्दी से अपना काम करो, अमितेश फ्रेंडली होते हुए बोला। उसकी बात सुन निवेदिता ने राहत भरी एक लंबी सांस ली। फिर उसने अमितेश के चेहरे को छूते हुए गौर से देखा कि तृष्णा ने प्राइमर स्टेज का काम भी अमितेश के आधे चेहरे पर ही किया था। उसने तुरंत अमितेश के स्किन टाइप के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स अपने मेकअप बॉक्स से बाहर निकाले, फिर वो उसके चेहरे पर प्राइमर लगाने लगी। अमितेश ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें नैरो कर ली। कुछ देर पहले जब तृष्णा उसके चेहरे को छू रही थी तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन निवेदिता का उसके चेहरे को छूना उसे जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था और निवेदिता का उसके चेहरे को छूना उसे जरा भी बुरा एहसास नहीं कर रहा था। अपनी पलकों को ऊपर करते ही अमितेश ने निवेदिता के सीरियस चेहरे को देखा। वो अपने काम में खोई हुई थी, उसके मन में किसी भी तरह का कोई खोट नहीं था। अमितेश के चेहरे को सच में किसी भी तरह के मेकअप की जरूरत नहीं थी। उसकी आईब्रोज डार्क और थिक थी, बिना किसी ट्रिमिंग के भी उसकी आईब्रोज देखने में काफी सुंदर लग रही थी। इसलिए निवेदिता ने अमितेश के आईब्रोज को एक बार भी टच नहीं किया। उसने अपने हाथों में एक ब्लैक आईलाइनर थामा, फिर वो अमितेश से बोली, मैं आपकी आंखों में थोड़ा सा आईलाइनर लगाने वाली हूँ, इससे आपकी आंखें काफी एनर्जेटिक दिखेंगी। आप चिंता ना करें, कैमरा आपके आईलाइनर को कैप्चर नहीं कर पाएगा। निवेदिता ने जानबूझकर ये सब अमितेश को एक्सप्लेन किया था। अमितेश से हुई अपनी इस चौथी मुलाकात में वो ये बात अच्छे से समझ गई थी कि अमितेश एक बोल्ड और ब्लंट टाइप का इंसान है। अमितेश का इतने सारे लोगों के बीच मेकअप करवाना एक बड़ी बात थी। निवेदिता की सोच के हिसाब से अमितेश ऐसा इंसान नहीं था जो किसी को भी ये पता चलने देना चाहता हो कि जरूरत पड़ने पर वो भी अपना मेकअप करवा लेता है
अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो अमितेश मन ही मन में काफी बुरा फील करता। लेकिन फिलहाल अमितेश के एक्सप्रेशन काफी रिलैक्स थे। निवेदिता को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी, चाहे वो इंसान खुश रहे या गुस्सा या इमोशनलेस, उसके चेहरे पर हर वक्त एक अकड़ू वाला एक्सप्रेशन जरूर रहता था। लेकिन उस अकड़ू एक्सप्रेशन के अमितेश के चेहरे पर होने के बावजूद भी फिलहाल कोई भी उसे देख ये बता सकता था कि वो गुस्सा है या खुश। अभी कुछ पल पहले तृष्णा से बात करते हुए अमितेश काफी गुस्से में था, ये बात सभी जानते थे। लेकिन वो फिलहाल काफी खुश है, ये बात भी वहां मौजूद सभी लोग बता सकते थे। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अकड़ू वाले एक्सप्रेशन अभी भी मौजूद थे। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था, शायद ऐसा उसकी आंखों की वजह से था। निवेदिता ना चाहते हुए भी बार बार अमितेश की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें किसी समुन्दर की तरह गहरी थी। अगर वो ना चाहता तो निवेदिता ये बात नोटिस भी नहीं कर पाती कि उसकी आंखें कितनी गहरी हैं। लेकिन अगर वो चाहता है कि आप उसके इमोशन को देखें तो आप उसके इमोशंस को आसानी से देख सकते हैं। उस पल में उसकी आंखों में देखकर भी निवेदिता ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या सोच रहा है। अमितेश भी निवेदिता की ही आंखों में झांक रहा था। पता नहीं वो निवेदिता को देख क्या सोच रहा था। निवेदिता ने ऑकवर्ड फील करते हुए अपनी नजरों को घुमा लिया। लेकिन फिर अमितेश को आईलाइनर लगाने के लिए वो वापस से अमितेश को देखने लगी। हालांकि वो अभी भी अमितेश को देखते हुए नर्वस फील कर रही थी, लेकिन उसे उसके मेकअप वाला काम तो करना ही था। वो फिर से अपने काम को लेकर सीरियस हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अमितेश की आंखों में देखा वो फिर से नर्वस हो गई। उसकी सांसें एकदम से रुक गईं। वो दूसरी तरफ देखने लगी और खुद को याद दिलाने लगी कि उसे बस अमितेश के आईलिड्स को ही देखना है। निवेदिता ने जैसे तैसे अपने काम को करना चाहा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अमितेश अभी भी उसे घूर रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे अमितेश की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अमितेश सच में बिना रुके एक टक निवेदिता को घूरे जा रहा था। वो न चाहकर भी न जाने क्यों निवेदिता को ही देख रहा था। उसके करीब आकर उसकी पलकों को अपनी उंगलियों से थोड़ा ऊपर करते हुए वो पूरी तरह फोकस लग रही थी। इतनी कि वो जिसका मेकअप कर रही थी वो उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। अमितेश को ऐसा लग रहा था जैसे वो निवेदिता के लिए उसके बाकी सभी क्लाइंट्स की ही तरह एक क्लाइंट है। अमितेश का दिल न जाने क्यों पर कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। ये एहसास उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि निवेदिता अपने काम में पूरी तरह फोकस थी। तो उसने तय किया कि क्यों ना वो निवेदिता को अच्छे से देखे और समझे। वो इस वक्त उसके काफी करीब थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसके फिगर को अच्छे से देख नहीं पाता। अमितेश ने मिरर के थ्रू बाकी मेकअप आर्टिस्ट को देखा। वो सब अपने क्लाइंट से उतनी ही दूरी बनाए हुए थे जितनी दूरी निवेदिता ने उससे बना रखी थी। यानी निवेदिता ने उसके करीब आने के इस मौके का जरा भी फायदा नहीं उठाया था। इस ख्याल के साथ अमितेश और भी ज्यादा उदास हो गया। उसने अचानक से कहा, तुम मुझसे इतनी दूर खड़ी होकर मेरी आंखों में आईलाइनर क्यों लगा रही हो? ऐसे तो तुम मेरी आंखों में आईलाइनर घुसेड़ ही दोगी। निवेदिता एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने प्रोफेशनल वे में खुद को एक्सप्लेन किया। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं सालों से मेकअप का काम कर रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मैं आपकी आंखों में आईलाइनर नहीं घोपूंगी। निवेदिता ने सोचा नहीं था कि अमितेश ऐसी किसी बात को लेकर डरेगा। शायद मेकअप का एक्सपीरियंस उसके पास सच में बिल्कुल भी नहीं था। ये बात तो काफी इंटरेस्टिंग है। अमितेश निवेदिता की बात सुनकर हंस पड़ा। उसकी हंसी ने निवेदिता को बुरी तरह डरा दिया।
किस्मत से वो काफी संभल कर अपना काम कर रही थी। अमितेश ने अपनी नजरें ऊपर उठाई, फिर निवेदिता का मजाक उड़ाने के अंदाज में वो बोला, कई सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं आपकी आंखों में आईलाइनर नहीं घुसाऊंगी। अभी जो हुआ वो क्या था? अमितेश उसका मजाक उड़ा रहा था। उसकी बातें सुन निवेदिता के हाथ हवा में थम से गए। फिर उसने ईमानदारी से कहा, मैं आपकी हंसी से डर गई थी। अमितेश हैरान हो गया। फिर वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, मुझे मेरी आंखें प्यारी हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस से ज्यादा मुझे अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा है। इतनी दूर से मेरी आंखों में आईलाइनर लगाने वाला काम मत करो। अमितेश बेरुखी से बोला और फिर चुप हो गया। उसने आगे निवेदिता से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने चुपचाप खड़ी निवेदिता को एक बार गुस्से में फिर से जरूर देखा, मानो वो उससे कह रहा हो कि तुम्हें मेरी आंखों में आईलाइनर लगानी है तो मेरे करीब आकर लगाओ। निवेदिता ने मन ही मन तय किया कि अब वो अमितेश को अपने नॉर्मल क्लाइंट्स की तरह ट्रीट नहीं करेगी, नहीं तो वह अचानक से उससे फिर से डर जाएगी। निवेदिता ने खुद के ख्यालों से लड़ना बंद कर दिया। वो सावधानी से अमितेश के थोड़ा और करीब आ गई। अमितेश के थोड़ा और करीब आने से एक अच्छी बात ये हुई कि निवेदिता का ध्यान अब जरा भी भटक नहीं रहा था। अमितेश के मेकअप को जल्द से जल्द पूरा करने के अलावा उसका ध्यान और किसी बात पर नहीं था। निवेदिता अब अपने 200% प्रोफेशनल एटीट्यूड में आ गई थी। उसका चेहरा मानो किसी पत्थर की तरह सख्त हो गया था। अमितेश की नजर जब निवेदिता के चेहरे पर गई तो उसे देखकर अमितेश को ऐसा लगा जैसे वो लड़की किसी युद्ध पर गई हुई हो, जहां उसका दुश्मन बिल्कुल उसके सामने उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। बेचारी का चेहरा सख्त तो था, लेकिन वो इतना छोटा था कि वो किसी को भी इंटिमिडेट नहीं कर सकती थी। उसका सख्त चेहरा उसके नॉर्मल चेहरे से देखने में काफी क्यूट लग रहा था। हालांकि निवेदिता अब पहले की अपेक्षा अमितेश के थोड़ा ज्यादा करीब थी, लेकिन फिर भी उनके बीच एक दूरी बनी हुई थी। अमितेश को कभी कभार ही निवेदिता की सांसें उसके चेहरे से टकराती हुई महसूस हो पा रही थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी पक्षी का पंख आपके चेहरे से आ टकराया हो। बहुत ध्यान देने पर ही अमितेश इस बात को महसूस कर पा रहा था। निवेदिता की सांसें किसी मोर के पंख की तरह रुक रुक कर अमितेश के चेहरे से टकरा रही थी। अमितेश को ऐसा लग रहा था कि उसकी दिल की धड़कन हर बार तब जोर से धड़कने लग रही थी जब निवेदिता की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। उन सांसों में अमितेश रात रानी के फूलों की खुशबू को महसूस कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब अमितेश का दिल उसके दिमाग से ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था। उसने तुरंत ही जोर से लंबी लंबी सांसें ली। उसने बस कुछ एक लंबी सांसें नहीं ली थी, अपनी सांसों के साथ अमितेश ने निवेदिता के बदन की खुशबू को भी अपने अंदर खींच लिया था। उस खुशबू में परफ्यूम की कोई स्मेल नहीं थी। वो खुशबू बिल्कुल नेचुरल थी जो निवेदिता के बालों और उसके बदन से आ रही थी। उसके बदन से आती खुशबू अमितेश को उसी की तरह कुछ कुछ मीठी सी लग रही थी। वही बात अगर तृष्णा के बदन से आती खुशबू की जाए तो उसने अपने ऊपर शायद परफ्यूम की पूरी बोतल ही छिड़क ली थी। इस वजह से अमितेश को घुटन होने लगी, वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। तृष्णा का एक्सेस परफ्यूम यूज करना भी एक वजह थी जिससे कि अमितेश उस पर बुरी तरह से गुस्सा हो गया था। तृष्णा के उसके करीब रहने पर वो अपनी सांस रोक कर रख रहा था। निवेदिता के बदन से आती खुशबू को कुछ और लंबी सांसों से अपने बदन में खींचने के बाद अचानक से अमितेश को इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या गलत कर रहा है। उसने तुरंत खुद को लंबी लंबी सांसें लेने से रोका
और खुद पर गुस्सा करने लगा। वो किसी पागल आशिक की तरह बिहेव कैसे कर सकता था? अमितेश का मुंह पल भर में लटक गया। वो खुद से नाराज भी था और खुद से गुस्सा भी। इस दौरान निवेदिता अमितेश की दूसरी आंख में आईलाइनर लगाने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर अमितेश के गुस्सैल एक्सप्रेशंस पर गई और फिर वो बुरी तरह डरने लगी। अमितेश सर, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? निवेदिता ने तुरंत अमितेश से सवाल किया। उसने तुरंत अपने मेकअप बॉक्स से एक छोटा मिरर निकाला और फिर उसने उसे अमितेश के चेहरे के आगे कर दिया। देखिए, मैंने काफी बारीकी से अपना काम किया है। आपकी आंखों पर आईलाइनर लगाए जाने के बाद भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी आंखों पर आईलाइनर लगा हुआ है। निवेदिता को लगा कि अमितेश इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसके हिसाब से उसने अमितेश के चेहरे पर गलत आईलाइनर लगाया था। अमितेश ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। उसे नहीं पता था कि निवेदिता ने ये कैसे किया, लेकिन उसकी कही बात गलत नहीं थी। अमितेश खुद भी ये बात नोटिस नहीं कर पा रहा था कि निवेदिता ने उसकी आंखों में आईलाइनर लगाया है। अब उसे ये बात अच्छे से समझ में आने लगी थी कि क्यों इंडस्ट्री में लोग निवेदिता को मेकअप फील्ड में सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कहते थे। ठीक है, आगे का मेकअप पूरा करो, अमितेश ने कहा। निवेदिता ने राहत भरी एक लंबी सांस ली, फिर मिरर को साइड में रखकर वो अमितेश का बचा हुआ मेकअप करने लग गई। इधर अपने कमरे में आने के बाद तृष्णा काफी उदास थी। कुछ सोचकर उसने ये तय किया कि उसे वापस से ड्रेसिंग रूम जाना चाहिए। पता नहीं वहां मौजूद लोग उसके बारे में किस तरह की बातें कर रहे होंगे, वो उसके बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, वो ये जानना चाहती थी। इसलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ वापस से ड्रेसिंग रूम आ गई। ड्रेसिंग रूम के पास आने के बाद उसने ड्रेसिंग रूम के अंदर कदम नहीं रखा, वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर ही छिप कर खड़ी हो गई। उसने देखा कि अमितेश को आईलाइनर लगाने के चक्कर में निवेदिता अमितेश के काफी करीब आई हुई थी, इतनी कि वो किसी भी पल अमितेश को किस कर सकती थी। लेकिन फिर भी अमितेश निवेदिता को कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो उसकी आंखों में डूबा हुआ था। ये देख तृष्णा गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने तो अमितेश को बस एक दो पल के लिए छुआ था, फिर भी उसने उस पर ये इल्जाम लगाया कि वो उसे सेक्सुअली हरास कर रही है। लेकिन इस वक्त जो निवेदिता उसके साथ कर रही थी, उसका क्या? वो लड़की तो अमितेश को किस करने जितनी करीब आ चुकी थी, फिर अमितेश उसे कुछ क्यों नहीं कह रहा था? ऐसा भेदभाव क्यों? बदजात लड़की। अमितेश के करीब आना तृष्णा के हिसाब से निवेदिता का उसे सीड्यूस करने का तरीका था। शायद अमितेश को निवेदिता पसंद आ गई थी, लेकिन वो नहीं। वो ये सोचने लगी अब उसे कुछ समझ में आने लगा है। अब उसे किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो फिर से गुस्से में वापस अपने कमरे की तरफ लौट पड़ी। अपने कमरे की ओर जाते हुए गुस्से में उसने खुद से कहा, निवेदिता ने एक तगड़ा मुर्गा फांस लिया है, अब वो जो चाहे वो कर सकती है। जरूर अमितेश को फंसाने के लिए उसने अपने भोलेपन का जाल उस पर फेंका होगा। इधर अमितेश और निवेदिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि तृष्णा वापस आकर उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर वहां से लौट चुकी है। अमितेश ना चाहते हुए भी बार बार निवेदिता के चेहरे को देखता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि निवेदिता ने किस तरह का मेकअप अपने चेहरे पर लगाया था, वो इतनी स्मूथ कैसे दिख रही थी। अगर उसने अपने चेहरे पर लाइट मेकअप भी यूज किया होता तो उसके इतने पास होने पर वो उसके चेहरे पर मौजूद मेकअप की हल्की झलक को तो देख ही लेता। लेकिन उसे निवेदिता के चेहरे पर लाइट मेकअप की झलक भी नहीं दिखाई दे रही थी। शायद निवेदिता ने अपने चेहरे पर कोई मेकअप यूज ही नहीं किया था। अमितेश की उंगलियां अपने आप निवेदिता के गालों को छूने के लिए बढ़ गई। अगर वो उसके गाल को छू लेता
तो उसे पता चल जाता कि उसके फेस पर मेकअप की कोई लेयर है या नहीं। लेकिन एन मौके पर अमितेश के हाथ रुक गए और उसने खुद को शक्ति कपूर बनने से रोक लिया। फिर वो निवेदिता के चेहरे को देखते हुए उसके होठों को देखने लगा। वो इतना तो आराम से समझ गया था कि निवेदिता ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई है, लेकिन उसके होठों पर मौजूद लिपस्टिक भी वाटर कलर की थी, जिससे कि उसके होंठ चमक रहे थे, पर उन पर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं था। उसके चमकदार होंठ उसे और भी ज्यादा सुंदर दिखा रहे थे। निवेदिता के होठों को देखते देखते अचानक से अमितेश ने अपने होठों को लिक किया। इत्तेफाक से इसी दौरान निवेदिता ने अमितेश की आंखों में आईलाइनर लगाने वाला काम पूरा कर लिया। अभी वो सीधे होकर खड़ी ही हुई थी कि उसकी नजर अमितेश के चेहरे पर गई और फिर वो किसी बर्फ की तरह जम गई। जब अमितेश ने उसे देखते हुए अपने होठों को लिक किया, तो बदकिस्मती से अमितेश की ये हरकत निवेदिता की नजरों में भी आ पड़ी। अमितेश भी एकदम ठगा सा रह गया। निवेदिता भी एकदम ठगी सी अमितेश को देख रही थी। अमितेश अपने होठों को लिक करते हुए इतना सेडक्टिव क्यों लग रहा था? निवेदिता का चेहरा अगले ही पल लाल हो गया। उसके दिमाग में जैसे कोई भूचाल सा आ गया था। अमितेश सर, क्या आपको प्यास लगी है? अगर हाँ तो आप चुप क्यों हैं? मुझे पहले कहना था ना आपको, क्या आपको पीने के लिए पानी चाहिए? अमितेश ने एक पल के लिए निवेदिता को घूरा। वो उससे पूछना चाहता था कि उसे ऐसा क्यों लगा कि उसे प्यास लगी है। निवेदिता के होठों को देखने के बाद सच में उसे प्यास लग चुकी थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, वो अचानक से निवेदिता की तरफ झुका, जिससे निवेदिता घबरा गई। अमितेश का चेहरा उसके अचानक से निवेदिता की तरफ झुकने से निवेदिता के सीने से टकरा सकता था। ऐसा ना हो इसलिए निवेदिता अपने आप अमितेश से दो कदम दूर हट गई। लेकिन जैसे ही उसके कदम पीछे गए, वो ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई। अब वो पीछे नहीं जा सकती थी। किस्मत से अमितेश ने उसकी तरफ और झुकने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखे पानी की बोतल को उठा लिया। निवेदिता अपनी बेवकूफी वाली सोच पर खुद से ही चिढ़ उठी। अमितेश यूं सबके सामने उसके करीब आने की कोशिश क्यों करता? वो तो बस पानी की बोतल लेने के लिए उसकी तरफ झुका था। पानी के दो बड़े घूंट लेने के बाद अमितेश ने निवेदिता से कहा, मैंने पानी पी लिया, तो मेरा बाकी का मेकअप कंप्लीट करो। इसी दौरान अमितेश ने चुपके से निवेदिता के सीने को गौर से एक नजर देखा। उसके सीने का हिस्सा काफी वार्म था। निवेदिता ने थिन टी शर्ट पहन रखी थी। वो टी शर्ट टाइट फिट नहीं थी, साथ ही उस टी शर्ट ने निवेदिता के सीने को अच्छे से कवर कर रखा था, जबकि तृष्णा ने जिस तरह की टी शर्ट पहनी थी उसमें उसे देखने वाला हर शख्स सीधे उसके सीने को ही घूरता दिख रहा था। नॉर्मल होने के बाद भी निवेदिता की फिगर उस टी शर्ट में काफी अच्छे से उभर कर दिखाई दे रही थी। अमितेश आसानी से ये कह सकता था कि निवेदिता के सीने का हर एक भाग काफी सुंदर है, सुडौल है। जब वो निवेदिता की तरफ झुका था, तो उसका मकसद पानी की बोतल लेने से कहीं ज्यादा अपनी उस गलती को छुपाना था जो उसने निवेदिता के होठों को देख अपने होठों को लिक करने की थी। लेकिन इस चक्कर में वो निवेदिता के सीने के बीचों बीच अपने सिर को अटका लेने वाला था। वो सच में निवेदिता के सीने के काफी करीब आ गया था। अमितेश ने एक बार फिर से एक झलक निवेदिता को देखा, फिर उसने कहा, चलो भी, अब आगे का मेकअप डन करो। निवेदिता ने एक पेन जैसी कोई चीज अपने मेकअप बॉक्स से बाहर निकाली। जब उस पेन के कैप को निवेदिता ने हटाया, तो वो एक लिपस्टिक दिखाई देने लगी।
ओबेरॉय परिवार के बड़े बेटे मिस्टर अमितेश ओबेरॉय को ये तक पहचानना नहीं आता था कि निवेदिता के हाथ में जो चीज है वो एक लिपस्टिक है। एक मिनट, ये क्या चीज है? अमितेश दिल ही दिल में निवेदिता के हाथ में मौजूद उस चीज को नापसंद करने लगा। निवेदिता ने पेशेंस के साथ अमितेश को एक्सप्लेन किया, ये लिपस्टिक पेन है, इसका कलर पानी की तरह है, इसे लगाने से आपके होठ शूटिंग के दौरान सूखेंगे नहीं और आप कैमरे में अच्छे लगेंगे। अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए निवेदिता ने उस लिपस्टिक को अपनी हथेली के पिछले हिस्से में लगाकर भी दिखाया। निवेदिता के हाथ का पिछला हिस्सा दूध की तरह सफेद था। जब हथेली के एक हिस्से पर उसने वो लिपस्टिक लगाया तो वो हिस्सा पहले से थोड़ा ज्यादा चमकने लगा। निवेदिता की हथेली और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। अमितेश ने नोटिस किया कि निवेदिता की हथेली कितनी स्मूथ है, वो उसकी हथेली की सुंदरता में खो सा गया। देखिए, मैंने कहा था ना कि इस लिपस्टिक का कलर पानी के जैसा है, इसे लगाने के बाद भी मेरे हाथ के स्किन में कोई कलर शेड नहीं दिखाई दे रहा, निवेदिता ने कहा। तो अमितेश ने रिप्लाई किया। उसके इस अजीब से रिएक्शन से निवेदिता हैरान हो गई। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अमितेश को उसकी बातें समझ में आई या नहीं। फिर निवेदिता ने कहा, आपके होठ इसे लगाने से अच्छे दिखेंगे, आप चिंता ना करें, मैं एकदम हल्का सा लिपस्टिक आपके होठों पर लगाऊंगी, वो भी लिप ब्रश से, इससे आप कैमरे के सामने अच्छे दिखेंगे। चाहे बात फिल्म शोज अटेंड करने की हो या किसी इवेंट में जाने की या फिर फिल्म में काम करने की, मेल सेलिब्रिटीज हमेशा अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं, इससे वो दिखने में नॉर्मल से ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लिपस्टिक यूज नहीं करने वाला हूँ, अमितेश ने जिद्दीपन दिखाया। वैसे अमितेश के होठों का रंग नॉर्मली काफी अच्छा था, ये बात निवेदिता अच्छे से समझती थी। लाचार महसूस करते हुए निवेदिता ने जल्दी ही अमितेश की जिद के आगे हार मान ली। ठीक है, फिर मैं आपके होठों पर लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, अमितेश निवेदिता के लाचारी में लटके चेहरे को देख हंस पड़ा। लेकिन ये हंसी बस एक पल के लिए थी, अगले ही पल वो नॉर्मल हो गया। ये दोनों बातें इतनी तेजी से हुई कि निवेदिता ये देख ही नहीं पाई कि कब अमितेश हंसा और कब पहले की तरह इमोशनलेस हो गया। निवेदिता का अमितेश की बात मान लेना अमितेश को काफी अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि निवेदिता उसकी बातों को कभी भी टालेगी नहीं। इस दौरान बाकी के मेकअप आर्टिस्ट ने भी उन्हें असाइन किए गए सेलिब्रिटीज का मेकअप कंप्लीट कर लिया था। वे सभी सेलिब्रिटीज अमितेश की ही तरह कैमरे के सामने अच्छे दिखना चाहते थे। उनकी आंखों पर भी आईलाइनर मौजूद थी, उन सभी के होठों पर लिपस्टिक की एक लेयर भी मौजूद थी जिसे अमितेश ने अपने होठों पर लगाए जाने से मना कर दिया था। निवेदिता ने फिर भी किसी तरह समझा बुझाकर अमितेश के होठों पर वैसलीन लगा दी ताकि उसके होठ शूटिंग के दौरान सूखे नहीं। वैसलीन वाला आइडिया अमितेश को भी पसंद आया। वो अब तक ये अच्छे से समझ गया था कि निवेदिता अपने क्लाइंट्स को बेहतर लुक देने के लिए नॉर्मल चीजों का भी सहारा ले सकती है। उसे किसी का मेकअप कर उस शख्स को सुंदर दिखाने के लिए लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं थी। अमितेश ने नोटिस किया कि बाकी सभी सेलिब्रिटीज के होठों पर लिपस्टिक की एक लेयर मौजूद थी, बस वो अकेला ऐसा था जिसने अपने होठों पर लिपस्टिक नहीं लगाई थी। इस बात से अमितेश दिल ही दिल में काफी खुश था। वो बाकी सभी के साथ कमरे के एंट्रेंस की ओर बढ़ गया। जल्दी ही उसे सभी के साथ आज की शूटिंग शुरू करनी थी। अभी उसने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसने नोटिस किया कि क्रिश चुपचाप निवेदिता के पास चला आया था। वो उसके काफी करीब था और उसके साथ चल रहा था। क्रिश ने धीमी आवाज में निवेदिता से कहा, तुम सच में अपने काम में माहिर हो। अमितेश की आंखों को देखो, मुझे तो वहां कोई आईलाइनर दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन मेरी आंखें इन्हें देखो, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने इस तरह से मेरी आंखों में आईलाइनर लगाया है कि
कि ये किसी को भी नजर आ सकते हैं। चिंता मत करो, इनएक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी उस लड़की ने ज्यादा बुरा काम नहीं किया है। तुम्हारी आईलाइनर अभी भले ही दिखाई दे रही है, लेकिन कैमरे के सामने ऐसा नहीं होगा। कैमरा तुम्हारे आईलाइनर को कैच नहीं कर पाएगा। इसी दौरान कृष की नजर अमितेश पर गई, जो अपने कदमों को धीमा कर उनकी बातें सुनने और उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। कृष मन ही मन मुस्कुरा उठा, फिर उसने निवेदिता से कहा, प्लीज यार, मेरे आईलाइनर को ठीक कर दो ना, मुझे ये जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है, निवेदिता ने कहा। और हाँ में अपने सिर को हिलाया, बस मेरे आईलाइनर को आंखों के किनारों से हल्का सा पोंछ दो, कृष ने कहा। अविका, मुझे एक कॉटन का टुकड़ा देना, अपने साथ चल रही असिस्टेंट से निवेदिता बोली। अविका ने तुरंत निवेदिता के मेकअप बॉक्स से कॉटन का एक टुकड़ा निकालकर निवेदिता को दे दिया। फिर निवेदिता ने आराम से कृष के दोनों आंखों को दो बार उस कॉटन से रब किया। इसके बाद जब कृष ने मिरर में अपने चेहरे को देखा तो उसे उसकी आंखें पहले से ज्यादा अच्छी दिखाई दी। तभी अविका ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कमरे का माहौल थोड़ा सर्द हो गया है? जरूर इस कमरे में किसी भूत ने कदम रखा है। भूत प्रेत जहां भी जाते हैं वहां का माहौल अपने आप सर्द हो जाता है, कृष मजाकिया लहजे में बोला। निवेदिता एकदम से उस पर बिफर उठी, बकवास करना बंद करो, मारूंगी तुम्हें मैं। निवेदिता कृष पर गुस्सा तो हुई, लेकिन उसने भी ये बात महसूस की थी कि उस कमरे का माहौल थोड़ा सर्द हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोचती, कुछ लोग जिन्होंने ब्लैक सूट पहन रखा था अचानक से कमरे में कदम रखा। उन्होंने दो दो के पैर में आकर सभी सेलिब्रिटीज को दाईं और बाईं तरफ से पकड़ लिया। जब दो लोग कृष की तरफ आए तो निवेदिता तुरंत साइन हो गई, मानो वो उन दो लोगों को जगह दे रही थी कि वे दोनों आसानी से कृष को पकड़ सके। ये एक अलग टाइप की ट्रिक थी। उन सभी सेलिब्रिटीज को एक डेजर्ट आइलैंड पर ले जाया जाना था। निवेदिता जानती थी कि उन सेलिब्रिटीज से ये बात छिपाई गई है। वहां मौजूद स्टाफ के अलावा सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही ऐसे लोग थे जिन्हें डेजर्ट आइलैंड वाला कंसेप्ट उन्हें मिले कॉन्ट्रैक्ट के कारण पता था। निवेदिता ये बात जानती थी, लेकिन उसने कृष को इस बारे में कुछ नहीं बताया। निवेदिता को मिले कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे या दूसरे किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को शो से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं बतानी थी। इसलिए जब उन सभी सेलिब्रिटीज को कैप्चर किया गया तो वे सब बुरी तरह घबरा गए थे। उनके चेहरे पर उस वक्त जो रिएक्शन आए थे वो बिल्कुल भी फेक नहीं थे। ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? कृष ने घूरते हुए उसे पकड़ने वाले दोनों मुष्टंडों से सवाल किया। वे दोनों गुंडे टाइप लोग इमोशनलेस दिख रहे थे। इस वक्त उस कमरे में जैसे अफरा तफरी सी मच गई थी। लेकिन जैसे ही बारी अमितेश को पकड़ने की आई, चीजें एकदम बदल गई। काले सूट में जो दो लोग अमितेश के करीब आए थे उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वे अमितेश को पकड़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि अमितेश की कदकाठी और उसका गुस्सैल चेहरा उन दोनों को बुरी तरह से डरा रहा था। वे दोनों लोग अमितेश के करीब तक नहीं आ रहे थे। जब वे पूरी तरह से उसके करीब नहीं आ रहे थे तो वे दोनों उसे पकड़ते कैसे? अमितेश एक तरह से उन सभी का बॉस था। उन दोनों को घबराया हुआ देख अमितेश ने ही उनसे सवाल किया, तुम्हारे बाकी साथी जैसे बाकी सेलिब्रिटीज को पकड़ रहे हैं वैसे ही तुम दोनों को मुझे भी पकड़ना है ना? वे दोनों लोग हैरान हो गए। फाइनली अर्देश ने उन दोनों को चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, तुम दोनों को जो करने के लिए कहा गया है वो करो, डरो मत, बस अपने काम पर ध्यान दो। वे दोनों लोग चिढ़ उठे। उन्होंने मन ही मन अर्देश से कहा, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम ही अमितेश ओबेरॉय को पकड़ लो ना। उन दोनों काले सूट धारियों में से एक ने अमितेश से धीमी आवाज में कहा, अमितेश सर, प्लीज हमारी किसी हरकत का बुरा मत मानिए, अगर हमसे कुछ गलती हो तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफी मांग ले रहे हैं। फाइनली उन दोनों ने किसी तरह अमितेश के हाथों को थाम लिया।
लेकिन दिखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन दोनों ने अमितेश को पकड़ रखा है। क्रिश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। किसी एक सेलिब्रिटी को खास ट्रीटमेंट देना और बाकी को अलग, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। क्रिश जोर से चिल्लाया, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम लोगों के साथ तुम्हारा बिहेव कितना रफ है। दूसरी तरफ मिस्टर अमितेश को तुम लोग छू तक नहीं रहे हो। तुम दो गधे लोग, क्या तुमने सच में तुम्हारे बाकी साथियों की तरह अमितेश को पकड़ रखा है? ये सब दिखने में कितना एम्बैरेसिंग है। क्या तुम लोगों को खुद पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? जिन दो लोगों ने अमितेश को पकड़ रखा था, उन्होंने क्रिश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप अपना सिर झुकाए शांति से खड़े रहे। उनकी तरफ से किसी भी तरह के रिएक्शन का ना आना सभी लोगों को हैरान कर गया। निवेदिता ये सारा ड्रामा देख रही थी। उस ड्रामे को देखते हुए वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। वहां मौजूद सभी 6 सेलिब्रिटीज को उनकी कार में उन आदमियों द्वारा ठूंस दिया गया। जब सभी अपनी अपनी कार में पहुंच गए तो उनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई। निवेदिता प्रोडक्शन टीम के साथ एक बोट से होते हुए डेजर्ट आइलैंड पर आ गई। अमितेश, शौर्य और संबित तीनों को अलग अलग हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। विक्रम, क्रिश और हितेन को अलग अलग स्पीड बोट में ले जाया गया। ये सब हो क्या रहा है? क्या मैं किसी बोट में हूँ? तुम लोग मुझे भेज कहाँ रहे हो? विक्रम ने चिल्लाते हुए सवाल किया, लेकिन उसके सवाल के जवाब में उसकी स्पीड बोट चालू हो गई और एक झटके के साथ वो एक खास डायरेक्शन में बढ़ चला। मुझे समंदर के पानी की महक आ रही है, मैं हूँ कहाँ? हितेन ने सवाल किया। वे सब परेशान हो रहे थे। अमितेश को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं था। जब तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो अमितेश ने कहा, मैं किसी हेलीकॉप्टर में हूं ना? उसके साथ जिस असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा गया था वो अमितेश की जजमेंट से हैरान हो गया। स्पीड बोट में होना किसी भी सेलिब्रिटी के लिए समझना आसान था, लेकिन हेलीकॉप्टर की बात अलग थी। आंखें बंद होने के बावजूद भी अमितेश ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी हेलीकॉप्टर में है। निवेदिता ने भी अब तक उन 3 हेलीकॉप्टर्स को देख लिया था। वो उन हेलीकॉप्टर्स को देख हैरान थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों अर्देश ने अपने इस न्यू शो में होने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए ओबेरॉय कॉरपोरेशन से हाथ मिलाया था। ओबेरॉय कॉरपोरेशन से मिले इन्वेस्टमेंट को वे लोग जोर शोर से यूज कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स और स्पीड बोट्स ने आइलैंड के 6 अलग अलग हिस्सों पर लैंड किया। काले सूट वाले गुंडे टाइप लोग, जिन्होंने सभी सेलिब्रिटीज को किडनैप करने की एक्टिंग की थी, सभी सेलिब्रिटीज को लेकर आइलैंड पर उतर आए। उनके आइलैंड पर आते ही स्पीड बोट्स और हेलीकॉप्टर्स वहां से चले गए। इसके बाद उन लोगों ने सभी की आंखों पर बंधी पट्टी को खोला। निवेदिता इस दौरान अमितेश के साथ थी। जरूरत पड़ने पर उसे उसका मेकअप करते रहना था। एक असिस्टेंट डायरेक्टर की आवाज कैमरे के पीछे से सभी सेलिब्रिटीज का इंट्रोडक्शन करते हुए सुनाई दी। आज 6 सेलिब्रिटी गेस्ट को 6 अलग अलग लोकेशंस पर भेजा गया है। शुरुआती प्लेस पर उन्हें एक क्लू दी गई है। अगले क्लू को मिशन को पूरा करते हुए खुद सेलिब्रिटीज को ही ढूंढना होगा। सबसे पहले जो सेलिब्रिटी गेस्ट सारे क्लूज ढूंढ लेगा वो विनर होगा। इसके बाद बाकी सभी सेलिब्रिटीज को पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसका आधार ये होगा कि उन्होंने खुद से कितने क्लूज ढूंढे हैं। अमितेश ने हाँ में अपने सिर को हिलाया और फिर अपने आसपास के माहौल को देखकर उसे समझने की कोशिश करने लगा। डायरेक्टर ने कहा था कि शुरुआती प्लेस पर ही सभी कंटेस्टेंट को एक क्लू दे दिया गया है, लेकिन ये क्लू कहाँ है? ये उन्होंने किसी को नहीं बताया, यानी कि उन सभी को खुद से उस पहले क्लू को ढूंढना था। निवेदिता ने सोचा नहीं था कि सर्वाइवर की प्रोडक्शन क्रू शुरू में ही अपने कंटेस्टेंट सेलिब्रिटीज को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देगी। उसे अमितेश के साथ हर वक्त रहना था,
लेकिन एक निश्चित दूरी को मेंटेन करते हुए। निवेदिता के साथ साथ वहां एक कैमरामैन भी मौजूद था जो अमितेश की हर मूवमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। अमितेश कुछ देर तक उसी जगह वॉक करता रहा जहां हेलीकॉप्टर के लैंड करने के बाद उसने अपना पहला कदम रखा था। थोड़ी चहलकदमी के बाद उसे एहसास हुआ कि जमीन का एक हिस्सा थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है। उसने वहीं नजदीक मौजूद लकड़ी की एक मोटी छड़ी उठाई और फिर वो जमीन के उस उभरे हुए हिस्से को खोदने लगा। जल्दी ही उस गड्ढे के अंदर उसे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिल गया। अमितेश ने उस बॉक्स को बाहर निकाल लिया। बॉक्स को खोलने पर उसे उसमें एक छोटी नाइफ दिखाई दी। अमितेश ने उसे अपने पॉकेट में संभाल कर रख लिया। उस नाइफ के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी मौजूद था। कागज के उस टुकड़े पर एक मैथ प्रॉब्लम लिखी हुई थी। निवेदिता ने चुपचाप उचक कर उस कागज के टुकड़े को देखना चाहा। वो सावधान थी इस बात को लेकर कि कहीं वो कैमरे में नजर ना आए। जैसे ही निवेदिता की नजर कागज के उस टुकड़े में मौजूद मैथ प्रॉब्लम पर गई, वो घबरा गई। सच कहा जाए तो निवेदिता मैथ्स में बहुत कमजोर थी। स्कूल और कॉलेज के टाइम में वो जैसे तैसे नकल करके ही मैथ्स के पेपर को पास कर पाती थी, इसलिए उस कागज में मौजूद मैथ प्रॉब्लम ने उसे डरा दिया। वो लड़की किसी भी कीमत पर उस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती थी। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? निवेदिता ने सवाल किया, लेकिन निवेदिता के सवाल कहने भर के दौरान अमितेश ने मन ही मन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। उसने रेतीली जमीन पर अपनी उंगलियों से कुछ नंबर्स लिखे। इन नंबरों का मतलब क्या है? निवेदिता ने एक बार और अमितेश से सवाल किया। अमितेश ध्यान से उन नंबर्स को देख रहा था। पता नहीं, मुझे मैथ से ज्यादा ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन लग रहा है। सभी नंबर्स आपस में कट हो जा रहे हैं सिवाय एक नंबर के, और वो नंबर है 5। नंबर 5 के साथ एक एरो भी मौजूद है जो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 को डिवाइड कर रहे थे, 8 और 3 मल्टीप्लाई होकर 24 को। बस 5 उस कैलकुलेशन में इकलौता नंबर था जो कट नहीं हो रहा था, जिसके साथ एक एरो भी मौजूद है। कुछ सोचकर अमितेश ने नंबर 5 को एस के शेप में लिखा। एस का मतलब साउथ हो सकता है, लेकिन एरो का इशारा एस के ऑपोजिट साइड है, यानी कि हमें नॉर्थ की ओर जाना होगा, अमितेश ने कहा। उसके पास कोई कंपास नहीं था, इसलिए डायरेक्शन का पता करने के लिए उसने सूरज की किरणों पर ध्यान दिया। जल्दी ही उसने नॉर्थ किस तरफ है पता कर लिया। हमें इस तरफ चलना है। वैसे बॉक्स में मिली वो नाइफ आपके किस काम आएगी? निवेदिता ने चलते चलते सवाल किया। चूंकि अमितेश ने अभी अभी निवेदिता के सामने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसलिए निवेदिता ने सोच लिया कि अब जब तक वो अमितेश के साथ है, तब तक वो उसे हर वो सवाल पूछ लिया करेगी जिसका जवाब उसे नहीं पता। शो का नाम सर्वाइवर है, यानी कि ये नाइफ आगे जाकर मेरे लिए शिकार करने और सेल्फ डिफेंस के काम आएगी, अमितेश ने कहा। उसके साथ मौजूद असिस्टेंट डायरेक्टर एक बार फिर से हैरान हो गया। अमितेश चीजों को काफी तेजी से समझ ले रहा था। शायद हमें रात में यहीं रुकना भी पड़े, अमितेश ने कहा। इस वक्त वो खुद से भी बात करने लगा था। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में ऐसा हुआ तो ये सही नहीं होगा, निवेदिता ने कहा। क्यों सही नहीं होगा? अमितेश ने सवाल किया। साथ ही वो निवेदिता की घबराहट को देख हंसने भी लगा था। जो कुछ मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि हमें आज की रात यहीं इस आइलैंड पर बितानी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ रुकने वाले हैं तो हम रात में सोएंगे कहाँ? मैंने प्रोडक्शन टीम को यहाँ कोई टेंट लाते तो नहीं देखा है, निवेदिता ने बेवकूफी भरा सवाल किया। टेंट मेरे ख्याल से हमारा अगला क्लू होगा। हम टेंट को ढूंढ पाते हैं तो ही रात में हम सो पाएंगे, अमितेश आगे बढ़ते हुए बोला। अगर हम टेंट को नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमें रात जाकर बितानी होगी। वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक मेकअप आर्टिस्ट हो ना कि शो के कंटेस्टेंट। तुम्हारे सोने और यहाँ के आराम से ठहरने के अरेंजमेंट शो प्रोडक्शन स्टाफ जरूर करेगा।
जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही थी तो मैं होटल के कमरे के बाहर दरवाजे की ओर देख रहा था। तब मैंने प्रोडक्शन टीम के कुछ स्टाफ को अपने साथ टेंट लेकर आगे बढ़ते हुए देखा था। अमितेश ने कहा, निवेदिता चौंक उठे, यानी उन लोगों को आज की रात इस आइलैंड पर बितानी होगी। ये बात अमितेश काफी पहले ही जान गया था, इसीलिए यहाँ रुकने की बात को लेकर वो इतना कॉन्फिडेंट था। वैसे ये सब मेरा अंदाजा है। अमितेश कोई बातूनी इंसान नहीं था, वो बस निवेदिता को वो चीजें समझा रहा था जो उसे समझ में आई थी। अगर प्रोडक्शन टीम में जरा भी दया बाकी है तो वे टेंट को कंटेस्टेंट के लिए किसी क्लू का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमितेश को फॉलो करता कैमरामैन और असिस्टेंट डायरेक्टर अमितेश की बात सुन मन ही मन हंस पड़े। शो में होने वाली छोटी से छोटी हर एक बात अर्देश ने डिसाइड की थी। अगर कंटेस्टेंट को सोने के लिए टेंट नहीं दी जाती है और अगर उन्हें अपने टेंट को किसी क्लू के जरिए ढूंढना था तो ये फैसला पूरी तरह से अर्देश की तरफ से लिया गया था। अर्देश के बाद शो में जिसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जानी थी वो वर्गिस था। वर्गिस के बाद बाकी के सभी असिस्टेंट डायरेक्टर्स। सभी असिस्टेंट डायरेक्टर को हर वक्त एक कंटेस्टेंट के साथ मौजूद रहना था। उनका काम ये देखना था कि कंटेस्टेंट किसी भी रूल को ब्रेक ना करें। इधर अमितेश हर वक्त अपने आसपास की चीजों पर अपनी नजरें दौड़ा रहा था। ऊपर नीचे आगे पीछे वो हर तरफ ध्यान से देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि हमें कितनी दूर तक वॉक करना है, निवेदिता ने सवाल किया। अमितेश ने ये पता लगाया था कि उसे नॉर्थ में जाना है, लेकिन कितनी दूर ये बात उसे भी नहीं पता थी। मुझे नहीं पता, अमितेश ने जवाब दिया। निवेदिता से कुछ कहा नहीं गया। निवेदिता के कुछ ना कहने की वजह से आगे बढ़ते हुए अमितेश ने पलट कर उसे देखा। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जोर से चिल्लाया, हिलना मत। निवेदिता घबरा गई। अमितेश की कड़क आवाज सुन वो जहां थी वहीं थम गई। उसने धीमी आवाज में अमितेश से सवाल किया, क्या बात है, आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? अमितेश ने ऐसा क्यों कहा था ये बात अब कैमरामैन को भी समझ में आ गई थी। वो खुद कदकाठी में बड़ा था, लेकिन वो तक फिलहाल बुरी तरह घबराया हुआ था। उसके कदम अपने आप पीछे की ओर उठने लगे। तब अमितेश एक बार जोर से चिल्लाया, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अमितेश की कड़कदार आवाज को सुन वो कैमरामैन जहां था वहीं खड़ा रह गया। निवेदिता अपने पीछे कुछ भी देख नहीं पा रही थी, लेकिन वहां मौजूद बाकी सभी लोग उसके पीछे मौजूद चीज को देख सकते थे। कैक्टस की ओट से होते हुए एक सांप निवेदिता के पीछे उसकी पीठ तक की ऊंचाई पर फन फैलाए खड़ा था। वो सांप दो अंगुल जितना मोटा था। वहां मौजूद कोई भी शख्स सांपों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वे नहीं जानते थे कि जो सांप निवेदिता के पीछे है वो जहरीला है या नॉर्मल, लेकिन जिस तरह से निवेदिता के करीब आकर वो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था उसे देख वहां मौजूद हर शख्स का डरना लाजमी था। अमितेश ने निवेदिता को उसके पीछे मौजूद सांप के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था उसके पीछे सांप है ये बात जानते ही निवेदिता घबराकर कुछ ऐसा कर बैठेगी जिससे कि वो सांप उसे डस लेगा। वो सांप दिखने में अमितेश को जहरीला नहीं लग रहा था, लेकिन वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। आखिर हो क्या रहा है, निवेदिता घबराहट में चिल्लाई, आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मुझे हिलने तक से मना क्यों कर दिया आपने?